नमस्कार, न्यूज कैचअप में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज दिन भर की सुर्खियों पर। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में ब्रजेश ठाकुर समेत 19 आरोपी दोषी करार, 28 जनवरी को सजा पर होगी सुनवाई। मलेशियाई पीएम के बदले सुर, बोले भारत से लड़ने की ताकत नहीं। निर्भया के दोषी पवन की घटना के वक्त नाबालिग होने की याचिका खारिज। शोपिया में सुरक्षा बलों ने 3 हिजबुल आतंकियों को किया ढेर। राष्ट्रपति ने पत्रकारों को किया रामनाथ गोयंका पुरस्कार से सम्मानित। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की बैठक के बाद सुलझा साई जन्मस्थान विवाद, ट्रस्ट ने वापस लिया बंद का फैसला। जेपी नड्डा निर्विरोध चुने गए भाजपा अध्यक्ष। पीएम मोदी ने की छात्रों से परीक्षा पे चर्चा, सिखाए तनाव मुक्त के तरीके। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत ने की जीत से शुरुआत, श्रीलंका को 90 रनों से हराया। साल 2020 के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन का मेलबर्न में हुआ आगाज। अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर समेत 19 आरोपियों को साकेत स्थित विशेष कोर्ट ने दोषी करार दिया है। वहीं एक आरोपी मोहम्मद साहिल उर्फ विकी को सबूतों के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया है। सीबीआई ने अपने चार्जशीट में आरोपियों पर बलात्कार और यौन शोषण रोकथाम अधिनियम की धारा 6 के तहत आरोप लगाए हैं। सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं। कोर्ट ने सजा पर बहस के लिए 28 जनवरी की तारीख तय की है। भारत के द्वारा मलेशिया से पाम ऑयल निर्यात पर रोक के बाद वहां इसकी कीमतों में 10% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। इस पर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए मलेशियाई प्रधानमंत्री महातीर मोहम्मद ने कहा कि हम भारत के मुकाबले बहुत छोटे देश हैं, इसलिए हम अब किसी भी तरह की जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे। गौरतलब है कि पिछले दिनों में महातीर मोहम्मद ने भारत के नागरिकता संशोधन कानून और कश्मीर पर उठाए गए कदम का विरोध किया था। भारत सालाना 90 लाख टन पाम ऑयल का आयात करता है, जिसमें ज्यादातर मलेशिया और इंडोनेशिया से ही आता है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया के एक दोषी पवन की घटना के वक्त नाबालिग होने की याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने वकील से पूछा कि जब यही तथ्य पुनर्विचार याचिका में मौजूद थे तो दोबारा याचिका दाखिल करने की क्या जरूरत थी। वकील ने दिल्ली पुलिस पर उम्र संबंधी दस्तावेजों को छुपाने का आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन के 3 आतंकी मारे गए। अधिकारियों के मुताबिक एक आतंकी की पहचान आदिल अहमद के रूप में हुई है, जो पूर्व में एक पुलिस अधिकारी था। उन्होंने बताया कि अन्य 2 आतंकियों की शिनाख्त की जा रही है। राजधानी दिल्ली में सोमवार को उल्लेखनीय पत्रकारिता के लिए प्रिंट, डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के चुनिंदा पत्रकारों को उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार रामनाथ गोयंका से सम्मानित किया गया। रिपोर्टिंग फ्रॉम कंफ्लिक्टिंग जोन कैटेगरी में इंडियन एक्सप्रेस के दीपंकर घोष, ब्रॉडकास्ट में दूरदर्शन के धीरज कुमार को पुरस्कृत किया गया। वहीं पर्यावरण और विज्ञान कैटेगरी में scroll.in की मृदुलाचारी विनीता गोविंद राजन, जबकि ब्रॉडकास्ट में बीबीसी हिंदी सर्विस की सर्वप्रिया सांगवान को राष्ट्रपति ने पुरस्कार से सम्मानित किया। प्रिंट कैटेगरी में गांव कनेक्शन की दीति वाजपेयी को उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए सम्मान से नवाजा गया। हर श्रेणी में 1,00,000 की पुरस्कार राशि दी जाती है। बीते रविवार से शिरडी में लगा बंद वापस ले लिया गया है। शिरडी ग्राम सभा ने सोमवार को बंद वापस लेने का फैसला लिया। यह फैसला मुख्यमंत्री के इस विषय पर बुलाए गए बैठक के बाद लिया गया है। शिरडी से शिवसेना के नेता कमलाकर कोटे ने कहा कि बैठक में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने उनकी सभी मांगे मान ली है और साई जन्मस्थान से जुड़ा विवाद अब सुलझ गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता जगत प्रकाश नड्डा को पार्टी ने निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी मुख्यालय पहुंचकर उनका स्वागत किया और कहा कि नड्डा ने पार्टी के विकास में बहुत योगदान दिया है। इससे पहले जेपी नड्डा कार्यकारी अध्यक्ष थे। पार्टी के 11वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती दिल्ली विधानसभा चुनाव होगी।
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में छात्रों के साथ परीक्षा पे चर्चा की। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने छात्रों को तनाव से उबरने के कई सुझाव दिए। अपने व्यक्तिगत अनुभवों को छात्रों से साझा करते हुए उन्होंने मिशन चंद्रयान 2.0 की विफलता और उसके बाद उनके व्यक्तिगत तनाव का भी जिक्र किया। इस कार्यक्रम में करीब 2000 छात्रों ने भाग लिया, जिनमें से 1050 छात्रों का चयन निबंध प्रतियोगिता के जरिए किया गया। अब खबरें खेल जगत से। साल का पहला लॉन टेनिस ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन आज मेलबर्न में शुरू हुआ। इस टूर्नामेंट में पुरुषों के सिंगल्स वर्ग में सारी नजरें स्पेन के राफेल नडाल, सर्बिया के नोवाक जोकोविच और स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर पर रहेंगी। वहीं महिलाओं के वर्ग में दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी एशले बार्टी और 7 बार की विजेता सेरेना विलियम्स पर रहेगी। भारत की ओर से प्रजनेश गुणेश्वरन और सानिया मिर्जा अपनी श्रेणी में चुनौती पेश करेंगे। वहीं साउथ अफ्रीका में चल रहे अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने अपना अभियान जीत के साथ शुरू किया। भारत ने अपने पहले मैच में श्रीलंका को 90 रनों से मात दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 297 रन 4 विकेट खोकर बनाए, जिसके जवाब में श्रीलंका टीम 207 रनों पर ही सिमट गई। इस विश्व कप में भारत की अगुवाई कर रहे प्रियम गर्ग ने 56 रन बनाए और आईपीएल के बाद खेल प्रेमियों की नजर में आने वाले खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल ने भारत की ओर से सबसे ज्यादा 59 रन बनाए। भारत अपना अगला मैच जापान से 21 जनवरी को ब्लूम फाउंटेन में खेलेगा। और अब अंत में हमारा आखिरी सेगमेंट तारीख में इतिहास। गांधी के कट्टर अनुयायी और अपने प्रशंसकों के बीच बादशाह खान से मशहूर खान अब्दुल गफ्फार खान की आज पुण्यतिथि है। पाकिस्तान के पेशावर प्रांत में सन 1890 को जन्मे अब्दुल गफ्फार खान भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के मुखर विरोधी रहे। उन्होंने पाकिस्तान के सीमांत पख्तूनख्वा प्रांत से आजादी की लड़ाई का नेतृत्व किया। वो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद भी आजाद पख्तूनिस्तान प्रांत के लिए लगातार संघर्ष करते रहे। लड़ाकू पठानों के अहिंसक नेता होने के कारण उन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। भारत से विशेष लगाव रखने वाले खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में भारत रत्न से नवाजा गया। 20 जनवरी 1988 में उनकी मृत्यु के बाद उन्हें अफगानिस्तान के जलीलाबाद में दफनाया गया। चलते चलते सुर्खियां एक बार फिर। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में ब्रजेश ठाकुर समेत 19 आरोपी दोषी करार, 28 जनवरी को सजा पर होगी सुनवाई। मलेशियाई पीएम के बदले सुर, बोले भारत से लड़ने की ताकत नहीं। निर्भया के दोषी पवन के घटना के वक्त नाबालिग होने की याचिका खारिज। शोपिया में सुरक्षा बलों ने 3 हिजबुल आतंकियों को किया ढेर। राष्ट्रपति ने पत्रकारों को किया रामनाथ गोयनका पुरस्कार से सम्मानित। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की बैठक के बाद सुलझा साई जन्मस्थान विवाद, ट्रस्ट ने वापस लिया बंद का फैसला। जेपी नड्डा निर्विरोध चुने गए भाजपा अध्यक्ष। पीएम मोदी ने की छात्रों से परीक्षा पे चर्चा, सिखाए तनाव मुक्ति के तरीके। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत ने की जीत से शुरुआत, श्रीलंका को 90 रनों से हराया। साल 2020 के ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन का मेलबर्न में हुआ आगाज। आज रात्रि समाचारों में इतना ही। राधा को दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि।